नमस्कार। खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक की जाएगी। सीएम सैनी की अध्यक्षता में इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। दोपहर करीब 2 बजे सचिवालय में बैठक शुरू होगी। इस बैठक पर कर्मचारियों की निगाहें टिकी हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक कच्चे कर्मचारियों को राहत देने और नियमित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाए जाने के फैसले पर भी मुहर लगा सकती है। इसके अलावा प्रदेश सरकार जनता को कई बड़ी सौगात देने के फैसले पर मुहर लगा सकती है। इस बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। शायद यही वजह है कि लगातार मंथन का दौर जारी है। सभी दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद शाम को करीब 5 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधायकों के साथ अनौपचारिक बैठक भी करेंगे। तो कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। चुनावी रण के लिए बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक की जाएगी। सीएम सैनी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दोपहर करीब 2 बजे सचिवालय में बैठक शुरू होगी। इस दौरान कच्चे कर्मचारियों को राहत देने और नियमित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाए जाने के फैसले पर मुहर लगाई जा सकती है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार जनता को कई बड़ी सौगात भी दे सकती है। विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। लगातार मंथन किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। यही कारण है कि अब सभी दल एक्टिव हो चुके हैं। 2 बजे सचिवालय में बैठक शुरू होगी। इसके साथ ही शाम को करीब 5 बजे कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री विधायकों के साथ अनौपचारिक बैठक भी करेंगे। सचिवालय में करीब 2 बजे हरियाणा कैबिनेट की बैठक की जाएगी। सीएम नायब सैनी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदेश सरकार की ओर से दी जा सकती है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर भी चर्चा की जा सकती है। चंडीगढ़ में हरियाणा की कैबिनेट बैठक की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा जुड़ चुके हैं। ओपी, हरियाणा कैबिनेट की बैठक की जाएगी, इस बैठक में क्या कुछ खास होने वाला है, किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? देखिए राइना, आज हरियाणा कैबिनेट की कहीं बैठक के करीबन 2 बजे के आसपास बुलाई गई है और इस बैठक में करीबन 5 से 6 एजेंडे जो कहीं ना कहीं बताए जा रहे हैं। अगर बड़ी अगर क्या एजेंडा है तो ये एजेंडा ये बताया जा रहा है कि शायद हरियाणा सरकार सबसे कर्मचारियों की सत्ता करने को लेकर चुकी जो आज कर रहे हैं इसके अलावा हरियाणा में जो विचार है। चंडीगढ़ में हरियाणा की कैबिनेट बैठक की जाएगी। सीएम सैनी की अध्यक्षता में इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। दोपहर करीब 2 बजे सचिवालय में बैठक की शुरुआत होगी। इस बैठक पर कर्मचारियों की निगाहें टिकी हुई हैं। सूत्रों की माने तो कच्चे कर्मचारियों को राहत देने और नियमित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाए जाने के फैसले पर भी मुहर लगाई जा सकती है। इसके अलावा प्रदेश सरकार जनता को कई बड़ी सौगात देने के फैसले पर मुहर लगा सकती है। इस बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर भी चर्चा हो सकती है। विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। यही कारण है कि लगातार मंथन का दौर जारी है। सभी दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद शाम को करीब 5 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधायकों के साथ अनौपचारिक बैठक भी करेंगे। तो कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। यही कारण है कि लगातार मंथन का दौर जारी है। ओपी, हरियाणा कैबिनेट की बैठक की जाएगी, इस बैठक में क्या कुछ खास होने वाला है, किन अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है? देखिए मामला हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक आज के अंदर होनी है और मुख्यमंत्री नायब सैनी इसकी अध्यक्षता करेंगे। बैठक में करीबन 5-6 के आसपास जो है एजेंडे बताए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो है शायद
हरियाणा सरकार आज कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा सकती है, नीति को मंजूरी दे सकती है या नीति को जो है वो सार्वजनिक कर सकती है और लोगों से उनके सुझाव ले सकते हैं। दूसरा ये कि हरियाणा में फिलहाल जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी रिटायर की उम्र 58 साल के आसपास है और लंबे समय से इसको बढ़ाकर केंद्र की तरफ पर 60 साल करने की मांग जो की जा रही है। तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से छिटक गई हैं, तो उसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि हरियाणा सरकार शायद जो 58 से जो रिटायरमेंट की उम्र है उसको बढ़ाकर 60 कर दे। वही और अगर बाकी एजेंडों की बात करें तो अनुकंपा के आधार पर जो नौकरियां दी जाती हैं, ऐसे 2-3 मामले भी आज जो है कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे जिन परिवार का मुखिया सरकारी नौकरी में रहते ऑन जॉब दुर्घटना उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई तो उनके बच्चों को भी आज नौकरी देना, साथ ही इस नीति का नाम भी बदलने को की जो है चर्चाएं हैं। और एक जो आखिरी बात करूं तो जो एक सीजी की जो रिपोर्ट्स होती हैं उसके बाद जो पीएससी की रिपोर्ट जो सदन के अंदर हाउस के अंदर रखी जाती है हरियाणा विधानसभा में रखी जाती है, तो करीबन 4 से 5 ऐसी विभिन्न सरकारी विभागों की रिपोर्ट्स हैं जिनको अगले मानसून सत्र में जो है वो सदन के अंदर रखा जाएगा, तो उनको भी आज जो है मंजूरी दे जा सकती है। कुल मिलाकर अब तक जो कैबिनेट की बैठक को लेकर यही सूचना सामने आई। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अंश वत्स जुड़ चुके हैं। अंश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरे दमखम से जुट गई है, अब कांग्रेस का क्या प्लान ऑफ एक्शन? देखिए, कांग्रेस का प्लान ऑफ एक्शन जो है वो भी हमारे अभी पूरा तैयार हो चुका है। हम भी अपनी पूरी जो तैयारी है उसमें पूरे लग चुके हैं। हमने कल ही एक दिल्ली में हमारी समीक्षा बैठक की गई थी लोकसभा चुनाव को लेकर, जो एक शानदार प्रदर्शन रहा है जिसमें भाजपा को हमने 5 सीटों का नुकसान जो होना पड़ा है उससे ये बात स्पष्ट है कि हरियाणा में आज कांग्रेस की जो सरकार है वो बनना निश्चित है, जिसमें हमारी कई विधानसभाओं में बढ़त रही है। इसके लिए स्पष्ट है कि जो जनता का जनादेश है वो कांग्रेस के पक्ष में है, बदलाव के पक्ष में है। तो हमारी बैठकों का दौर भी जारी है और उसके बाद अब आगे की जो रणनीति है उसको लेकर भी अगर आप देख रहे होंगे तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे यूपी लीडर हैं वो जगह जगह जाकर जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन भी उन्होंने शुरू कर दिया है। तो उसको हम जनता के बीच में निरंतर जा रहे हैं और जनता के बीच में अपने जो मुद्दे को उठाने की हम कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर आप भाजपा को देखेंगे तो भाजपा आज सिर्फ और सिर्फ जनता से बिल्कुल दूर हो चुकी है, जनता के मुद्दों से उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। और अब जब चुनाव आ रहे हैं तो इस बीच में वो ऐसी मीटिंगें करके कुछ ऐसी घोषणाएं करके वो जनता को लुभाने की कोशिश करें, लेकिन जैसा लोकसभा चुनाव में हुआ वैसी ही विधानसभा चुनाव में भी होगा कि उनको इनकी इन घोषणाओं से कोई जनता को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जनता इनके कार्यकाल को जानती है, समझती है। अंश, बीजेपी की घोषणाओं से जनता को फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन कांग्रेस में जो अभी इस समय अंतर्कलह की स्थिति पैदा हुई है उससे जनता के बीच में जरूर गलत संदेश जाता है, कांग्रेस इसको लेकर कैसे टैकल करेगी? देखिए, आप किस अंतर्कलह की बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी सदा से साथ रही है और कल हम जब कई पत्रकारों ने इस चीज को लेकर भी जब बात रखी थी मीटिंग के पश्चात तो हमारे प्रभारी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लोग जब आप एक जैसे होते ना कि कई बर्तन होते हैं तो वो खनकते हैं, तो उसी प्रकार से सभी लोग हैं, अपनी अपनी बातों को रखते हैं लेकिन कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है। सब लोग एक ही पार्टी के धागे से बंधे हुए हैं, सब लोग एक ही विचारधारा के लोग हैं, तो इसमें सिर्फ लोग अपनी अपनी एक बात रखते हैं। जब आप राजनीति में होते हैं आप लोगों की एक अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशन होती है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल एस्पिरेशन कांग्रेस पार्टी में और खासतौर से जब यहाँ पे बदलाव की जब एक लौट जग रही है उस चीज में किसी के भी पॉलिटिकल एस्पिरेशन कांग्रेस पार्टी से बढ़कर नहीं है। अंश, आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा के कई बार बयान सामने आए हैं, कांग्रेस में जो टूट है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि लोगों के पॉलिटिकल एस्पिरेशंस होते हैं, लेकिन जब हम सब लोग पार्टी के जब बात करते हैं, देखो आप देखिए, एक सबने ये जो विधान लोकसभा चुनाव था इसके प्रकार से हम सबने एक साथ मिलकर लड़ा,
तो आप ये देखिए सर ने अपने जो मनमुटाव थे तो वो सबने अपने दरकिनार रख के हमने लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ा, उसके बदौलत आज हमारे पास 5 सीटों की बढ़त आई है, हमारी कई विधानसभाओं में अच्छी बढ़त रही है, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। तो ये एक साफ संदेश देता है कि हम सब लोग एक हैं और हम सब आपको लोग रुकना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजबीर रोहिला भी जुड़ चुके हैं। राजबीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा में कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक शुरू होने वाली है, दोपहर करीब 2 बजे बैठक शुरू होगी। इस बैठक में क्या विधानसभा चुनाव को लेकर गोल सेट किया जा रहा है? भावना जी नमस्ते, आपके दर्शकों को मेरी राम राम, प्रवक्ता भाइयों को भी मेरी राम राम। ये जो कैबिनेट है मुख्यमंत्री जी ने बुलाई है और ये हमारे रूटीन काम है, जो फैसले लेने होते हैं कैबिनेट में वो आज लिए जाएंगे, जिनमें काफी महत्वपूर्ण फैसले होने की उम्मीद है। जो मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों घोषणाएं की है कहीं ना कहीं उनपे मोर लगने का काम होगा आज। और कैबिनेट मीटिंग मुख्यमंत्री जी जब मर्जी बुला सकते हैं, तो ये उनका विशेषाधिकार होता है। हेलो राजवीर जी, आपकी आवाज साफ नहीं आई, क्या दोबारा आप रिपीट कर सकते हैं? हेलो राजवीर जी, बैठक में किन अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है? क्या प्रदेश सरकार जनता को बड़ी सौगात दे सकती है? चुनाव का विषय संगठन का होता है हमेशा, ये तो सरकार का काम है। सरकार अपने जो मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की है, जो काम रहते हैं या जो नई घोषणाएं हुई है, तो उनपे आज मोहर लगने की उम्मीद है। और हम तो उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं जनता को और कुछ दिया जाए, जो शोषित वंचित और जो समाज है हमारे जिनके लिए सरकार दिन रात समर्पित है, जो अंत्योदय की भावना से काम कर रही है, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर अब क्या रणनीति तैयार करेगी? क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? नहीं, बीजेपी तो तैयार है, बीजेपी तो 2 बार तो सरकार बना चुके हैं, हम तीसरी बार सरकार बनाने की हमारी कवायदारी है। हमारे 29 तारीख को हमारे विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है पंचकुला में होने जा रही है, जिसमें हमें हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन मिलेगा। और वहां से उससे पहले भी हमने कार्यक्रम किए हैं, रोहतक में किया, दिल्ली में हमारी हाई लेवल की मीटिंग हुई है और कल भी हमारी मीटिंग हुई है गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और नायब सैन जी, कहीं ना कहीं हमने इन चीजों पे काम करना शुरू कर रखा है। तो धीरे धीरे ये चीजें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी और जब 29 तारीख को हमारा जो विस्तारित जो प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है, वहां से हमें एक नई ऊर्जा मिलेगी कार्यकर्ताओं को, और हर बूथ तक जाएंगे और हर घर तक जाएंगे हम, और अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं 10 साल की, हम वो बताएंगे कि हमने गरीब समाज के लिए ओबीसी के लिए जर्नल के लिए सबके लिए हमने काम किया है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हाड़ी पाड़ी के लिए। तो हमारा जो कार्यकर्ता का जो मेन काम होता है वो ये है कि भाई हम अपनी योजनाओं को, सरकार की जो लाभ दिया है वो उन लोगों को हम याद दिलाएंगे कि हमने आपके लिए ये किया है। बीजेपी का कहना है कि कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए शीर्ष नेतृत्व लगातार कार्यकर्ताओं से समन्वय स्थापित करता है, लेकिन कांग्रेस के क्या प्लान ऑफ एक्शन है? अब कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी? देखिए, कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जाएगी, ये चीज हमने पहले भी रखा हुआ है जनता के बीच में, चाहे वो बात हो कि किस प्रकार से आज महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, जैसे इनकी चुनाव खत्म हुआ उन्होंने टोल टैक्स के दाम बढ़ा दिए, दाल के दाम बढ़ा दिए, दूध के दाम बढ़ा दिए, तो जनता जो आज महंगाई की मार झेल रही है, उस महंगाई के मुद्दे को लेकर जाएंगे, किस प्रकार से बेरोजगारी असर चरम सीमा पर है हरियाणा प्रदेश में, जहां पर ये डबल इंजन की सरकार है, किस प्रकार से 40 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, चाहे वो बात अभी हाल फिलहाल में नीट के पेपर लीक की, और जो सेंटर जहां पे एक रहा था झज्जर में, वो भाजपा की ही जो सदस्य था उनके द्वारा ही चलाया जा रहा, प्रिंसिपल उनकी थी, सब कुछ उनका था, तो किस प्रकार से भाजपा पेपर लीक करवा रही है, उस पेपर लीक के मुद्दे को, भ्रष्टाचार के मुद्दे को, किस प्रकार से आज उन्होंने जो पहलवानों का मुद्दा रहा है, किसानों का मुद्दा रहा है, तो ये जो बीते इनके 10 साल की जो नाकामी रही है, उन सब चीजों को लेकर हम जनता के बीच में जाने को जाएंगे और जाते रहे हैं। ओपी, आपसे जानना चाहेंगे, दोपहर में 2 बजे जब कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त हो जाएगी, उसके बाद शाम 5 बजे सीएम नायब सैनी विधायकों के साथ अनौपचारिक बैठक भी करेंगे, इस बैठक में क्या कुछ खास हो सकता है? देखिए, अनौपचारिक बैठक है, आमतौर पर सरकार कभी भी जो है, हालांकि लोकसभा
लोकसभा चुनाव के बाद एक प्रतिनिधि लेकिन अगर पहले मुख्यमंत्री मनोहर की बात करें तो हर मंगलवार को शाम के 4 बजे से लेकर 6 बजे तक विधायकों के साथ जो विकास के बारे में चर्चा करते हैं। तो इस बार की अगर हम बात करें तो शनिवार से जो केंद्रीय गृह मंत्री तकशिला में आ रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की जो बैठक लेंगे जिसमें 2000 के आसपास जो है कार्यकर्ता पदाधिकारी जो शिरकत करेंगे उन सभी के लिए मंच पर जाएगा। तो आज जो हमें जाकर आज में देखें तो इसके जो उपाय करना शनिवार का इस कार्यक्रम में कितनी तरह की कोई कमी ना रही इसके लेकर जो है तैयारियां करने के लेकर बैठक हुई और बैठक में विधायक की जो ड्यूटियां भी लेकर कोई ना कोई जो है उम्मीद की जा की बातचीत जरूरी हुई। नीट पेपर लीक मामले समेत तमाम मुद्दों पर घेर रही है बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया? नहीं ये इनका काम तो घेरना है, इन्होंने ना तो काम किया ना काम करने देना और दूसरों पे आरोप लगाना, ये कांग्रेस के और विपक्षियों के एक प्रोपेगेंडा रहता है हमेशा। और जो इन्होंने किया वो इनके वो जनता ने देखा भी है, इन्होंने नौकरी ही नहीं दी तो पेपर लीक का क्या मतलब है? तो इनके यहाँ तो इंटरव्यू लगाते थे 25 नंबर, ठीक है ना, ये इंटरव्यू किसने खत्म किए? ये हरियाणा की सरकार ने खत्म किया, सबकी जो जो पेपर देगा उसका वो लगेगा। 1,40,000 जो पक्की नौकरियां दी हरियाणा सरकार ने वो के ऊपर से आ गई, वो भी इसी सरकार ने दी है ना, ठीक है। कोई एक तो घटना हुई छिटपुट लेकिन पेपर कोई कैंसिल नहीं हुआ, ये आप मान के चलो, क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ने उन गैंगों को पकड़ा है, उनको सजा दिलाया है, काम किया, लेकिन ये लोग तो खुद अपने घर बैठ के लिस्ट बनाते थे। ये किस मुंह से बोल रहे हैं, किस मुंह से बोल रहे हैं? एक नेताओं के कितने रिश्तेदार, कितने पोता पोती, नाती नाती, कितने नौकरियों पर लगे हुए, क्या वो सभी योग्य थे? आज एक गरीब घर का बच्चा लग रहा है, आज HCSC जो हमारी लिस्ट आई है वो तुरंत प्रभाव से रात को ही रिलीज कर दी। तो कहा भारतीय जनता पार्टी की न्याय श्रेणी की सरकार त्वरित कार्रवाई करती है और रिजल्ट देती है। अभी हमने 20-22 हजार जो हमने प्लाट दिए, कब्जे दिए, जिनको जो योग्य है उनको 1,00,000 रुपए भेजे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये लोग कुछ नहीं करते, उन्होंने सिर्फ जनता को भटकाया भरमाया और जिसका ये बेनिफिट मिला 5 सीटें हम लूज कर गए, लेकिन जनता को पता है असलियत में काम कौन करता है, काम किसने करके दिखाया है, हमने हर क्षेत्र में काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बिल्कुल साफ है, हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना है और विकास के मुद्दे पर ही हम आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नायब श्रेणी सरकार हर वर्ग के लिए ध्यान रख रही है, क्योंकि वो खुद कहते हैं तुम्हारे लिए मैं खड़ा हूं, ठीक है ना भाई, अगर किसी गरीब को सता तो मैं खड़ा हूँ। तो ये कि सामंतवादी सोच है, इन लोगों की सत्ता चाहिए बस किसी भी। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस ने जनता को बरगराने का काम किया है। कौन से ये बात कर रहे हैं, इन्होंने हमने बात रखी संविधान को, किस प्रकार से भाजपा जो है वो संविधान खत्म करना चाह रही है, और ये जो आपने बात रखी थी इस आधार पर रखी क्योंकि इनकी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री कह रही है, ये माने कि राजस्थान की उप मुख्यमंत्री जो कह रही है वो उनकी बात की कोई अहमियत नहीं है। हम ये माने कि इनके मेरिट के प्रत्याशी जो कह रहे हैं वो क्या आरक्षण समाप्त कर देंगे, क्या उनकी बात की कोई अहमियत न रखें, क्या लल्लू सिंह जी जो इनके अयोध्या के प्रत्याशी थे उनकी बात को हम बिल्कुल भी तवज्जो न दें, तो इसके साथ कह रहे हैं हम ये पेपर लीक की जो बात जो इन्होंने बड़ी एक अपनी सफाई दी है, ये किस आधार पर पेपर लीक के ऊपर अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री जो कहते हैं कि पेपर लीक हुआ नहीं है, जब मुद्दा होता है जब तमाम सबूत जो है साक्ष्य आते हैं सुबह कहते हैं कि यहाँ पेपर लीक हुआ है, तो छात्र पेपर लीक को रद्द करने की बात करते हैं लेकिन उसको रद्द नहीं किया जाता है, और उसके बाद तमाम ऐसे साक्ष्य सबूत पाए जाते हैं कि चाहे वो बात हो गुजरात की, चाहे वो बात हो हरियाणा की, चाहे वो बात हो उत्तर प्रदेश की या मध्य प्रदेश की, जहां जहां पर भाजपा की सरकार है, जहां पर आज डबल इंजन की सरकार है, वहां वहां पर आज पेपर लीक हुआ है। मैंने आपको जर्जर का आपको उदाहरण देकर बताया कि जिस स्कूल में पेपर हुआ था वहां की प्रिंसिपल, वहां का सदस्य जो थे वो भाजपा के लोग हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, तो उसके आधार पर हम कैसे ना ये बात माने कि भाजपा जो है पेपर लीक में इन्वॉल्व नहीं है। और तमाम पेपर लीक के मामले सामने आ रहे थे, नीट पेपर की बात, यूजीसी नेट पेपर रद्द कर दिया, क्या आपने नीट पीजी का पेपर स्थगित कर दिया है? आपकी सरकार को 15 दिन में ही होते शपथ लिए एनडीए की सरकार को, उसके बाद आपका रेल हादसा हो जाता है, जम्मू कश्मीर में 3 से ज्यादा आपके आतंकवादी हमले हो जाते हैं, आपकी महंगाई बढ़ा दी जाती है, आप पेपर लीक इतने आपने करवा दिए, तो जनता जो है वो देख रही है कि किसके कार्यकाल में किसको काम मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। जहां पर हरियाणा जो था वो कांग्रेस की सरकार में रोजगार देने में अव्वल था, वहां पर आज बेरोजगारी में अव्वल है, तो इस चीज पर ये कोई जवाब नहीं देंगे। और ये देखिए कितने ज्यादा मतलब बेशरम है भाजपा की, किस प्रकार से पेपर लीक को डिफेंड करने का आ रही है,
बजाय माफी मांगने के लिए डिपेंड कर रहे हैं, विपक्ष पर आरोप कर रहे हैं, ये कितनी बेशर्मी की बात है। इनको तो तुरंत प्रभाव से शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो शिक्षा मंत्री शपथ लेने जा रहे थे पार्लियामेंट में सदन में, और उस टाइम पे किस प्रकार से विपक्ष ने नीच का मुद्दा उठाया था, आज जनता देख रही है। क्या जनता ये नहीं देख रही है कि पेपर लीक हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है? ओपी, बीजेपी की ओर से लगातार कार्यक्रमों का दौर जारी है। लगातार हरियाणा के सीएम नायब सैनी प्रदेश को कई सौगातें भी दे चुके हैं, ऐसे में जनता के बीच क्या संदेश जा रहा है? देखिए भावना, जनता के बीच में क्या संदेश जाता है क्या संदेश नहीं जाता है वो तो मतगणना और चुनाव होने के बाद ही जो है पता लगेगा। लेकिन एक बात अगर लोकसभा चुनाव को देखें तो हरियाणा के अंदर जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है वो काफी जो है वो मुश्किल और काफी टफ कंपटीशन बीजेपी और कांग्रेस के लिए होगा। भले ही कांग्रेस 5 सीटें जीत कर एक तरह से प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी का दावा कर रही है, लेकिन अगर धरातल पर देखें तो जो साउथ हरियाणा है उसके अंदर जो सीटें थी उसके ऊपर जो कांग्रेस के विधायक थे उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी देखी गई है। वहां से भी जो है बीजेपी के जो प्रत्याशी राजेंद्रजीत सिंह थे वो काफी जीत के गए। मेवात के अंदर भी जो अंतर थोड़ा कम हुआ है। और अगर जाटलैंड की बात करें, रोहतक, सोनीपत और झज्जर की बात करें, तो रोहतक और झज्जर को छोड़कर सोनीपत में भी जो है वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के प्रत्याशी भले ही हार गए थे उनको वोट मिले हैं। तो इस बार मैं ये कह सकता हूँ कि कितनी तरीके से कांग्रेस जो जीटी रोड बेल्ट और साउथ हरियाणा के अंदर कितनी सेज मारी कर सकती है, और बीजेपी अपना अगर बीजेपी अपना जो साउथ हरियाणा और नॉर्थ हरियाणा साउथ हरियाणा बचा लेती है, नॉर्थ हरियाणा में थोड़ी बैठ करके और जाट लाइन को तोड़ने में कामयाब होती है तो सत्ता में ये पार्टी बीजेपी फिर से वापस हो सकती है। लेकिन कांग्रेस अगर 5 सीट जीतकर और 46 हलके जीतकर ये दावा कर रही है कि वो सरकार बनाएगी तो उनको एक बात ये भी ध्यान रखनी होगी कि उनका जाट लैंड भी कांग्रेस का कमजोर हुआ है और साउथ हरियाणा भी उनका कमजोर हुआ है। इस बार मुख्य मुकाबला कहीं ना कहीं जो निर्णायक जो मुकाबला है वो जीटी रोड जो बेल्ट है हरियाणा की, जीटी रोड के ऊपर जो भी हल्के या जिले लगते हैं उन जिलों में जो भी पार्टी जीत कर सामने आती है अगर वर्तमान विधानसभा लोकसभा चुनाव को देखें तो उसमें किस पार्टी को कितना कब्जा वो जीटी बेल्ट में कर सकता है वो उनकी सरकार जो है लाने में एक प्लस होगा। जी अंश जी, आपने सुना हमारे संवाददाता ने कहा कि 5 सीटें जीतकर आप हरियाणा में सरकार बनाने का दावा नहीं कर सकते। नहीं देखिए, 5 सीट जो ये हम दावा कर रहे हैं, 5 सीट इसलिए हम ये दावा रख रहे हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे 2019 का हमारा जो प्रदर्शन था उसमें हमारी तकरीबन 0 सीटें थी लोकसभा चुनाव में। उसके बाद अगर हम 5 सीटें ला रहे हैं तो ये 5 सीटों का अर्थ हम इसलिए इसको दावा कर रहे हैं क्योंकि 5 सीट लाना यानी उनको बराबरी पे उसको करना, कई विधानसभा में बढ़त हमारी बननी है, उसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि जनता आज आक्रोशित है। और ये तो सिर्फ लोकसभा चुनाव पर जहाँ पे मोदी जी का इतना बड़ा चेहरा इन्होंने लगाया था, पूरा चुनाव मोदी जी के चेहरे पे था, उसके बाद भी अगर हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा रही थी कि 5 सीटें इनको नुकसान हुआ है तो इस चीज में तो कोई दोहराई की बात नहीं है कि हरियाणा में तो जहाँ पे इनको मुख्यमंत्री तक बदलना पड़ गया था वहां पे तो इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है तो वहां पे तो परिणाम और भी ज्यादा बेहतर होने वाला है कांग्रेस पार्टी का, इसलिए हम ये कह रहे हैं। और जनता जो है हरियाणा के यहाँ पे जब लोकसभा का चुनाव था तो वो जो चुनाव था वो राष्ट्रीय मुद्दे पर था, उसमें जब हरियाणा की एंटी इनकम्बेंसी जो थी, जनता के अंदर जो आक्रोश था इन तमाम मुद्दों को लेकर वो इतना ज्यादा था कि इनको इतना भारी नुकसान हो गया तो विधानसभा चुनाव में तो स्थानीय मुद्दों पर होगा ऐसे कि विधानसभा के अंदर के जो मुद्दे हैं इनको लेकर ये चुनाव लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री के ऊपर लड़ा जाएगा कि मुख्यमंत्री का जो 10 साल का कार्यकाल रहा है, चाहे वो बात 9 साल का कट्टर जी का कार्यकाल हो या फिर इनका जो कुछ बचा कचा समय है उसको लेकर हो, तो इस चीज को लेकर जनता देख रही है, जनता समझ रही है। अगर आप मुख्यमंत्री एन वक्त पर बदल रहे हो तो जनता समझ रही है कि क्यों आपको जरूरत पड़ गई बदलने की। जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। नमस्कार।